बिग बॉस 15 का पहला वीकेंड का वार आज है, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये पूरा हफ्ता जो रहा वो इतना ज़्यादा इवेंटफुल रहा, इतना ज़्यादा हंगामा से भरा रहा कि सलमान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आए हैं। आप सभी को बता दूं कि सलमान खान आज बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक सेजपाल ने बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, वो भी एक बार नहीं दो दो बार पहुंचाया। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले तो प्रतीक सेजपाल ने बिग बॉस के घर में लगे एक शीशे को तोड़ दिया, उसके बाद जो बाथरूम में लगी थी लॉक उसको तोड़ दिया। तो दो दो बार उन्होंने, जो बिग बॉस का अहम नियम है कि आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, उसका जो है कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, जिसके बाद सलमान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं प्रतीक सेजपाल के खिलाफ। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी जंगलवासी हैं उन लोगों पर भी सलमान खान बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हफ्ते उन लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है, और जिस तरीके से उनको जो मेन घर है बिग बॉस में उसमें जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो लगातार उस घर में गए हैं, उस घर से खाने पीने का सामान लाया है, और यहाँ तक कि उस घर से जो सोने के लिए मेट्रेस रखा गया था उसको भी लेकर के जंगल में आ गए, जिस पर सलमान खान बहुत ज़्यादा भड़क गए और सभी जंगलवासियों से पूछा कि आप लोग किस अधिकार के तहत उस घर में गए थे, आप लोगों को उस घर में जाने का अधिकार किसने दिया। और कहीं ना कहीं सलमान खान बुरी तरीके से टूट पड़े जंगलवासियों पर और प्रतीक सेजपाल पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो सभी जंगलवासियों ने नियमों का उल्लंघन किया था, क्योंकि सभी जंगलवासी जो है मुख्य घर में गए थे वो भी बिग बॉस के बिना अनुमति के। वहीं उसके अलावा प्रतीक सेजपाल ने जिस तरीके की हरकत की है इस पूरे हफ्ते, उसको भी काफ़ी फटकार लगाई है सलमान खान ने, और पहला ही वीकेंड का वार जो बिग बॉस 15 का था उसमें सलमान खान बेहद ही गुस्से में नज़र आए हैं। आज पहला दिन, और कल का जो दिन होगा वो थोड़ा सा रिलैक्सफुल होगा, कल का दिन जो होगा वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सभी घर वालों के लिए मज़ेदार होगा, क्योंकि गेस्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं, राहुल वैद्य आ रहे हैं, निया शर्मा आ रहे हैं अपने नए गाने के प्रमोशंस के लिए। इसके अलावा बिग बॉस के जो एक्स कंटेस्टेंट रहे हैं कुछ वो लोग भी आ रहे हैं इस हफ्ते गेस्ट के रूप में, तो तमाम गेस्ट भी आएंगे, उनके साथ हंसी मजाक भी होगी, और हो सकता है कि जो गेस्ट हैं उनमें से कुछ लोग बिग बॉस के घर में भी जाए, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। लेकिन जो पहला दिन आज था, पहला वीकेंड का वार का, उसमें सलमान खान बहुत ज़्यादा नाराज़ और बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए सभी घर वालों से और ख़ास करके जंगल वासियों से, क्योंकि उन लोगों ने लगातार इस हफ्ते रूल का उल्लंघन किया है। हालांकि उन लोगों का गेम अच्छा रहा है, उन लोगों का प्लान थोड़ा बहुत अच्छा रहा है, उसके लिए सलमान खान सराहना भी करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही उन सभी पर क्लास लगाते हुए, उन सभी पर गुस्सा करते हुए भी नज़र आएंगे। तो सलमान खान आज पहले ही वीकेंड का वार में बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते लगातार नियमों का उल्लंघन हुआ है और किसी भी सदस्य ने जो है वो रूल्स को फॉलो किया ही नहीं है। चाहे अगर हम बात करें तो जो मुख्य घर में रह रहे हैं प्रतीक सहजपाल हो, या फिर अगर हम बात करें तो समिता सट्ठी या फिर निशांत भट्ट, या फिर अगर हम बात करें जंगल वासियों में जितने भी लोग हैं किसी ने भी रूल का फॉलो नहीं किया है। और अगर हम बात करें गेम की तो आप सभी को बता दूं कि कुछ लोगों की सराहना करते हुए भी नज़र आएंगे आज सलमान खान, जिसमें करण कुंद्रा होंगे, या फिर अगर हम बात करें तो और भी जो तमाम लोग हैं जिन्होंने अच्छी गेम खेली है इस हफ्ते, उन लोगों की सलमान खान सराहना भी करते हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद आएगा सबसे मुश्किल वक्त, जिसमें हम सभी को पता चलेगा कि पहले ही हफ्ते किसका सफ़र ख़त्म हो जाएगा बिग बॉस 15 के घर से, और सलमान खान इस बात का भी आज ऐलान करेंगे, लेकिन आज कुछ लोगों को सेव करेंगे और जो इविक्शन होगा वो तो कल के एपिसोड में होगा। तो आज बिग बॉस 15 का पहला वीकेंड का वार का पहला दिन कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से भरा रहा, क्योंकि सलमान खान का मूड बहुत ही ज़्यादा एंग्री रहा। तो आप लोगों को कैसा लगा वीकेंड का वार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सलमान खान ने जिन जिन लोगों को फटकार लगाई है क्या वो सही लगाई है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।